क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी वी हैव स्टार्टिड द टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड कल्चर सो कंटिन्यूंग विद डैट आज हम बात करेंगे रिलीजन और कल्चर यानी तहजीब और दीन ये जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते एक दूसरे में घुले मिले हैं इसके बारे में मुख्तलि अप्रोचेज़ हैं तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये कहती है कि दीन कल्चर से बड़ा है जबकि सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज़ ये कहती हैं कि दीन कल्चर का हिस्सा है सो ये दोनों अप्रोचेज़ कभी भी मिक्स नहीं हो सकती क्योंकि एक का ताल्लुक साइंस से है और दूसरे का ताल्लुक जो है वो साइंस से बालातर चीज़ों से तो इसी टॉपिक पे चलते हुए हम ये देखते हैं कि जब एक मज़हब के लोग या एक कल्चर के लोग अपने मज़हब समेत और अपनी रिवायात और अपने कल्चर समेत किसी और कल्चर में रहने को जाते हैं तो फिर क्या होता है रिलीजन एंड कल्चर आ लुक एट डायास्पोरा डायास्पोरा क्या होता है कल्चरल माइग्रेशन होती है यानी एक ऐसी हिजरत? जो आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाकर रहते हैं तो आप एक तरह से वो एक माइग्रेशन कर रहे हैं दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ न्यू कल्चर अ कल्चर अदर देन देयर ओरिजिनल कल्चर जहाँ वो पले बड़े थे वो उनके कल्चर से मिलता जुलता भी हो सकता है और मुख्तलिफ़ भी हो सकता है लेकिन बहरहाल डायासपोरा वो ग्रुप है जो अपने मुल्क से किसी और मुल्क में काम करने या शादी की वजह से या वैसे रहने के लिए जिस तरह कुछ लोग इमिग्रेशन करा के चले जाते हैं ये फैसला करते हैं और वहाँ रहते हैं ये ग्रुप्स बहुत बड़े हैं यूरोपियंस अमेरिका में बहुत सेटल हुए हैं तमाम यूरोपियन ममालिक और इंडो पाक से साउथ एशिया से चाइना से फार ईस्ट से अफ्रीका से बहुत लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक में सेटल हुए हैं कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें लोग ज़्यादा कल्चरल माइग्रेशन करके बड़े बड़े ग्रुप्स में रह रहे हैं अब यूरोपियन का केस ये है कि जब वो अमेरिका में सेटल होती हैं तो दे आर मोस्टली द सेम रिलीजन विच इज़ क्रिस्टानिटी जब मुस्लिम्स दूसरे कल्चर में जाते हैं तो दो तब्दीलियाँ एक कल्चर की और एक रिलीजन की हाँ अगर वो किसी मुस्लिम कल्चर में चले जाते हैं मुस्लिम मुल्क में चले जाते हैं जैसे मिडल ईस्ट मलेशिया यू नो मोरक्को, कोई और ईरान, तो उनका दीन वही है लेकिन कल्चर फ़र्क हो सकता है तो अब आपको कुछ समझ आ रही होगी कि दीन और कल्चर रिलीजन और कल्चर जो है ये अपने इनके मुख्तलिफ़ शेड्स होते हैं और इनमें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ होते हैं मुसलमान हैं लेकिन दो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं वो भी फ़र्क हो सकते हैं अपने लिबास में कल्चर में ज़बान में खाने पीने में जबकि उनकी कुछ चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होंगी जो कि जिनकी बुनियाद जो है वो रिलीजन पर होगी यानी दीन पर होगी ये जो आपको दो नक्शे नज़र आ रहे हैं इसमें जो ऊपर है वो हैं कि पाकिस्तानी दुनिया के किन किन ममालिक में ज़्यादा हैं और उसमें आप देख रहे होंगे कि, कि यूरोप की तरफ भी है नॉर्थ अमेरिका भी है दूसरे बड़ा अजम भी हैं नीचे जो है वो है कि अंग्रेज यानी इंग्लिश पीपल वेयर हैव दे माइग्रेटेड टू तो ये आपको दुनिया की बहुत सारी जगह खाली नज़र आएगी इस नीले ग्रुप से ये जो नीला ग्रुप है यानी इंग्लिश ब्रिटिश लोगों का वो ज़्यादा जो माइग्रेट हुए हैं वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ़ कैनेडा या इंग्लैंड कैनेडा या अमेरिका में सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग हाउ दिस ग्रुप्स फॉर्म अब क्या होता है आप मुख्तल कल्चर में जाते हैं वहाँ क्या क्या होता है कल्चर का क्या इन्फ्लुंस होता है रिलीजन को आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं क्या रिलीजन जो है वो कल्चरल प्रैक्टिस को असरानंदाज होता है या कल्चर जो है वो आपके कोई चीज़ बदलता है आपके रिलीजन में हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है दीन जहाँ भी हो उसी तरह प्रैक्टिस किया जाता है अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है निका का इस्लाम के हिसाब से निका एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट है बॉन्डिंग है जिसका मतलब ये कि दो लोगों को जायज़ तरीके से उनकी शादी हो चुकी है जबकि हमारे यहाँ रुखसती को एक एडेड चीज़ समझा जाता है तो अब यहाँ आपका कल्चर आ गया ऐसे भी मैंने देखे हैं पाकिस्तानी कल्चर में इवन पढ़े लिखे लोगों में कि जी सिर्फ निकाह हुआ है तो लड़का लड़की का जो रबता है वो मुनासिब नहीं है तो ये एक अजीब व बात है कि दीन के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन आपने उसके इर्द गिर्द एक कल्चर बना लिया दीन कहता है कि मुसलमान लोगों को निकाह से पहले एक दूसरे को देखना चाहिए लेकिन बहुत सा इंडियन पाकिस्तानी कल्चर में सालों से ये रिवायत थी जो अब काफ़ी बदल गई है कि बग़ैर देखे शादी हो रही है जो फूड है और फेस्टिवल्स uh, हैं वो कल्चरल और जोग्रफ़िक ज़्यादा होते हैं यानी मुसलमान मलेशिया में भी रहते हैं लेकिन कुछ और और मुसलमान पाकिस्तान में भी रहते हैं वो कुछ और खाएंगे अब फेस्टिवल्स में जैसे मैंने कहा कल्चर और रिलीजन दोनों मिक्स्ड है चैलेंजेस क्या होते हैं डायास्पोरा उन लोगों के जो दूसरे मुल्कों में जाके रहते हैं बहुत से होते हैं उनमें घुलना मिलना बाउंड्रीज़ क्या हैं हम किसी कल्चर के साथ कितना घुल मिल सकते हैं क्या हमारी हदूद है उसमें हम सोशली कितना मुसलमान होते हुए या क्रिश्चियन होते हुए दूसरे कल्चर में घुलने मिलने का भी कोई हद है कि नहीं है वो बाउंड्रीज ऑब्ज़र्व होती हैं अब डाइवर्सिटी होती है यानी बहुत से लोग होते हैं तो जब मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग मुख्तफ मुल्कों के लोग किसी मुल्क में रहते हैं किसी शहर में रहते हैं तो दुनिया के कुछ ऐसे शहर हैं जिन में आपको उसके अपने शहरीों से ज़्यादा दूसरे मुल्कों के शहरी मिलते हैं मसलन अगर आप लंदन में किसी से रास्ता पूछें तो वो कहता है सॉरी आई एम अ विजिटर हेयर और संबंध में से आई डोंट स्पीक एनी इंग्लिश ये जोक नहीं है ये रियल एक्सपीरियंस है मेरा न्यूयॉर्क में भी ऐसा हुआ अमेरिका के और शहरों में भी कि इंग्लिश आती ही नहीं है और वो मैक्सिको से पोर्टुगाल से नेपाल से पाकिस्तान से किनिया से कहीं से भी माइग्रेट करके आए हुए हैं ख़ासतौर पर कुछ मुल्क हैं जहाँ से वहाँ लोग काम करने बहुत आते हैं फिलपिनोस हैं तो अब पोटोरिको है अब वो अंग्रेजी ना ही भी जानते हो तो वो अपना काम कर रहे होते हैं मजदूरिया या दुकान पर काम कर रहे हैं या कुछ तो वो कल्चर में कितना घुलते मिलते हैं काम कर लेते हैं कमा लेते हैं अब इस डाइवर्सिटी में कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं तो एक बड़ा यूनिक ग्रुप होता है उन लोगों का जो कि एक दूसरे मुल्कों में जा के रह रहे हैं आपकी फैमिली में और हर फैमिली में तकरीबन पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जा के काम कर रहे हैं आपके कोई ना कोई फैमिली के मेम्बर्स जो हैं वहाँ मौजूद हैं तो आपको उनके और अपने कल्चर को कंपेयर करना है या आपकी असाइनमेंट्स में आएगा कि उनमें क्या तब्दीलियाँ वहाँ रहते हुए और क्या चीज़ें उनकी असल जो पाकिस्तानी था वो भी उनके अंदर मौजूद है आमतौर तो पर दीन कायम रहता है आप कहीं भी हो आप अपना रिलीजियस फ़ेथ और अपनी प्रैक्टिस जो है से नहीं छोड़ते क्योंकि दीन जैसे मैंने कहा कल्चर से बड़ा है वो एक दफ़ा आपका फेथ है तो वो आपका फेथ है कल्चरल फॉर्म्स हम एडॉप्ट कर लेते हैं जैसे कपड़े उस तरह के पहन लिए जो किसी और कल्चर में है अब दीन के प्रिजर्व करने की एक मिसाल जो है वो है हलाल और कोशर जो ज्यूज या यहूदी मजहब के लोग हैं वो मुसलमानों की तरह ही खास तरह का गोश्त खाते हैं वो वो गोश्त नहीं खा सकते जो जबीहा ना हो बना ना किया गया हो तो आपको हलाल मीट की और कोशर मीट की दुकानें मिलेंगी उनकी खास सर्विस मिलेगी उन मुल्कों में जहाँ पे हलाल या कोशर उनका मेन स्ट्रीम कल्चर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दीन के अहकाम पर अमल हो रहा है चाहे आप किसी और कल्चर में भी चले गए हैं हाँ अगर आपको चाट मसाले को बहुत दिलचार है और आप किसी पाकिस्तानी देसी सिख या पंजाबी शॉप पे गए हैं और चाट मसाला ढूंढ रहे हैं या दही पकौड़ियाँ का कोई वो पैकेट ढूंढ रहे हैं रूह अफजा ढूँढ रहे हैं कनौर की क्यूब्स ढूंढ रहे हैं ये मैंने बहुत देखा है इसलिए मैं कह रही हूँ तो वो आपका कल्चर आपका जो टेस्ट हुआ है अपने कल्चर में वो आपको बुला रहा है वो दीन का हुक्म नहीं है कि आपने वहाँ जा के भी चाट मसाला खाना है लेकिन हलाल गोश्त दीन का हुक्म है तो ये जो ग्रुप है ये कि जी वो गरीब मुश्किल में भी होता है और एक मज़े में भी होता है मुश्किल इसलिए कि कुछ चीज़ें दूसरे कल्चर में तलाश करनी पड़ती हैं उसका एक छोटा सा मिसाल है कि नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में वॉशरूम में लोटा नहीं होता ना मुस्लिम शावर होता है तो 20 साल पहले तो ऐसा था कि लोग कोई गिलास कोई बोतल रख लेते थे उनको पता था मैं मुसलमान हूँ बाथरूम में तो सिर्फ पेपर होगा लेकिन मैंने पिछले चार पाँच सालों में देखा है कि बड़े एयरपोर्ट्स पर मुस्लिम शावर लगे हुए हैं कई न्यूयॉर्क के घरों में जापान में तो हर जगह क्योंकि वो लोग भी तहारत में यकीन रखते हैं सो ये कल्चरल डायस्पोरा और उनकी स्टडी जो है उसमें रिलीजन और कल्चर कैसे मिक्स होता है ये हमारा आज का टॉपिक था